सो पंजाब एफसी एक ऐसी टीम जो लास्ट सीजन लीग में 8th पोजीशन पे थी, एक ऐसी टीम जिसने 10 में से एक भी गेम नहीं जीता था लास्ट सीजन, इस सीजन वो नंबर 3rd पोजीशन पे और अभी एक गेम कम खेला टेबल टॉपर से, 4 विन ले लिए अपने 5 गेम में से। ऐसा क्या है जो पंजाब एफसी को इतना एक्साइटिंग बना रहा है? बात करेंगे मेजर पॉइंट्स की कि पंजाब एफसी इतना बढ़िया फुटबॉल कैसे खेल रही है और कैसे वो आईएसएल को रीडिफाइन कर रही है। फर्स्ट पॉइंट है न्यू मैनेजर की न्यू अप्रोच। पंजाब एफसी ने न्यू मैनेजर अपॉइंट किया है दिलम पेरिस, जो कि काफी डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहा है। वो ज्यादा अपने पास बॉल पोजीशन नहीं रखता है और ना ही ज्यादा शॉर्ट पासेस में बिलीव करता है, काफी डायरेक्ट अप्रोच है टुवर्ड्स दी गोल। पंजाब ने लीग में सेकंड मोस्ट एचसी क्रिएट करी है 9.2 टी, उसने गोल स्कोर करे हैं और उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है लुका मिशन, 2 गेम में 3 गोल और 1 असिस्ट। सबसे इंटरेस्टिंग बात है पंजाब के प्ले स्टाइल के बारे में कि दे आर नॉट कीपिंग द बॉल टू मच। लीग में 12th पर है बॉल पोजीशन के मामले में, विच इज 42%। काफी प्रिसाइज अप्रोच है, काफी क्लिनिकल अप्रोच है कि आपको बॉक्स में अवेयर रहना है, गोल स्कोर करने के लिए डायरेक्ट जाना है, ना ही ज्यादा सोचना है और ना ही ज्यादा शॉर्ट पासेस में बिलीव करना है। सेकंड पॉइंट है न्यू साइनिंग्स। अपने की प्लेयर्स होने के बाद जैसे कि विल्मार गिल, जो इस सीजन चेन्नई एफसी के लिए 5 गोल ऑलरेडी मार चुका है, और दूसरा प्लेयर था मदी तलाल जैसा अटैकिंग मिडफील्डर खोया है इन्होंने, बट इन्होंने उसके गैप को काफी अच्छे से फिल करा है। इनकी सबसे बड़ी साइनिंग है फिलिप मर्ज़लेक, काफी एडवांस पोजीशन में खेलते हैं पंजाब के लिए, 5 गेम में 2 गोल और 2 असिस्टेंस बंदे के। एक साइनिंग और है विनीत राय, इंडियन मिडफील्डर की साइनिंग, जो कि होल्डिंग मिडफील्डर की पोजीशन में खेलते हैं पंजाब के लिए और काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने एक इंडियन विंगर को भी साइन किया है निहाल सुदीस, जो कि हर गेम स्टार्ट कर रहा है और इस सीजन उसके 1 गोल कंट्रीब्यूशन भी है। अनदर फॉरेन की साइनिंग्स की बात करें तो आसमीर सुलजिक, इवान नोसलिच, एजिक्यूल विडाल एंड मूशाक बटेंगा, जो कि इनके स्क्वाड में काफी क्वालिटी डेप्थ लेके आ रहे हैं। इसका पूरा ऑनर जाता है उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर निकोलस तोपलियातिस को, जो कि बिहाइंड द सीन्स इस क्लब को एक न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड की पॉइंट मेरे हिसाब से उनका डिफेंस है। लीग में सबसे कम गोल खाए आफ्टर बेंगलुरु एफसी और लीग में सबसे कम एक्सजी कंसीड करी, विच इज 3.5। हालांकि 5 गोल खाए हैं, बट सुरेश मेहती एंड इवान नोसलिच की ये पेयरिंग डिफेंस में न्यू बिलीफ लेके आ रही है। नौ जिस पोजीशन में पंजाब एफसी है, उन्होंने अभी टेबल टॉपर मोहन बगान से एक भी गेम नहीं खेला, मुंबई सिटी से भी उनका एक भी गेम नहीं हुआ है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने केरला को केरला में हराया है। अपने होम पे पंजाब ने 3 में से 3 विन ली है। अगर वो ऐसी ही फॉर्म में खेलते रहे तो आगे जाके यू कैन सी देम इन आईएसएल प्लेऑफ्स, मे बी इन आईएसएल फाइनल्स, और मे बी यू नेवर नो दे कैन विन द टाइटल। सब्सक्राइब करें ऐसे और कंटेंट के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।